अम्बाला के पास ननहेड़ा गांव में फूलों की खेती करने वाले किसान आजकल बेहद परेशान चल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि फूलों की खेती को लेकर काफ़ी ज़्यादा उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फूल ना बिकने के कारण फूलों को कूड़े के ढेर पर फेंका जा रहा है। रोजाना ही गुलाब के 2.5-3 क्विंटल फूलों को तोड़कर कूड़े के ढेरों पर फेंका जा रहा है। किसानों ने बताया कि अगर पौधों से ये फूल ना तोड़ेंगे तो आने वाले दिनों में उनके पौधे भी ख़राब हो जाएंगे और फिर से फूल लगने में काफ़ी समय लगेगा। हमारे छोटा सा व्यवसाय जी फूलों का, हम चकनेड़ा नैयावादी के बशिंदे रंगा मंडी के पास के जी, जो हमारा कारोबार था ये नवरात्रों सीजन हमारा पिट चुका है। हम छोटे व्यापारी हैं, फूलों के फूल बेचते हैं, हम इसी से रोजी रोटी कमाते हैं। हमारा सारा सीजन लॉकडाउन के अंदर ख़राब हो गया जी, और हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये हमारी छोटी मोटी खेती जी फूलों की, ये ख़राब हो चुकी है। हम रोज़ का जो डेली पैसेंजर फूल गुलाब का तोड़ते थे, 1 क्विंटल रोज़ फेंक रहे हैं उसे। सारी खेती हमारी बर्बाद हो चुकी है। तो क्या किसी नज़दीकी अधिकारी ने या किसी MC आपके इलाके ने, KMC ने वगैरह ने, किसी ने हमें आके कुछ नहीं पूछा जी। आपने कहीं शिकायत की हो? कहीं नहीं शिकायत करी, कुछ बोला हो? जब भाव जी लॉकडाउन हो गया तो क्या बोलेंगे जी, लॉकडाउन के अंदर हमारी सारी फसलें ख़राब हो गई है। तो ना ही हमारे इधर कोई अधिकारी देखने आया जी, क्या नुकसान हो रहा क्या नहीं हो रहा जी हमारा। ना ही हमारे एरिया में सैनिटाइजर वगैरह कुछ नहीं हुआ जी। इधर कोई अधिकारी नहीं देखने आया जी, शहर की तरफ सारे देख रहे हैं, गांव में कोई नहीं देख रहा जी। तो ये आपका इलाका तो बिल्कुल शहर से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया जी आता है देखने के लिए। यहाँ पे लोग रह रहे हैं जितने जी, लेकिन सैनिटाइजर वगैरह कुछ नहीं हुआ इधर। हाँ जी, यहाँ पे ये छोटे मोटे सारे फूल की खेती पर निर्भर करते हैं। ये मार्केट के अंदर कोई अब फूल बेचा नहीं आ रहा जी इस टाइम। हमें भी सरकार की तरफ से कम 1-2 घंटे का टाइम दिया जाए जी मार्केट के अंदर भेजने के लिए फूलों को, जो हम सप्लाई कर सकें। जो डेली पैसेंजर, मंदिर तो बंद पड़े हैं, जो डेली पैसेंजर लोग घरों में पूजा करने वाले हैं जी, वो अपने फूल ले जा सके जी। और हमें सरकार की ओर से कुछ मुआवजा भी मिलना चाहिए जी।